हाय, कैसे हो? ग्रेट, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ. कोई पूछ नहीं रहा पर बता देता हूँ. अच्छा सुनो ना, वो ना मेरी मॉम की इयररिंग्स टूट गई थी, मुझे सही करवानी थी. अच्छा आप दिखाओ. ये लो. नेकलेस कहाँ गए यहाँ से? कौन था यहाँ पे? सर मैं थी, अब यही तो था. यही था? मतलब तुम ऐसे ही चली गई, इसको ऐसे ही छोड़ के यहाँ पे चली गई? सॉरी सर, मैं बस दो मिनट इनको अटेंड करने गई थी. दो मिनट में चोरी हो जाती है चीजें. सर दो मिनट दो, मैं ढूंढती हूँ. वहाँ कहाँ देख रही हो? वहाँ नहीं है. क्या है? 4 लाख का हार तुम ऐसे ही छोड़ के चली गई. सॉरी सर. क्या सॉरी सर? ये कोई चुरा के चले आता तुम्हारे पापा पैसे देते इसके. एक्सक्यूज मी, पर्सनल होने की जरूरत नहीं. इन्होंने बोला ना सॉरी, इनके पापा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है. देखिए भाई साहब, ज्यादा बोल रहे हैं आप. तुम अपना मुंह बंद ही रखो. एक मिनट, ये मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? आप प्लीज स्टे अवे. आपके एम्प्लॉय से आदत है किसी भी मामले में बीच में पड़ने की. आपको पता है आपकी बेस्ट एम्प्लॉय कौन है? श्रेया. और पहली बार नहीं आ रहा मैं आपकी दुकान में. वैभव, रहने दो, इट्स ओके. रहने दो क्या? आपके ये जो सारे एम्प्लॉयज है ना शोरूम में, ये घड़ी देखकर निकल जाते हैं. ये रुकती है रात को ड्यूटी आवर्स के बाद भी काम खत्म करने के लिए. वैभव, इट्स ओके, जाने दो. नो, इट्स नॉट ओके. तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का हक किसी को भी नहीं है. और श्रेया, गलतियां सबसे होती हैं, इनसे भी हुई होंगी. हाँ, आपसे. श्रेया, केबिन में आओ जरा. सर, इतनी सी बात के लिए इन्हें नौकरी से मत निकाल दीजिएगा. अगर ये चली गई तो नुकसान आपका होगा, इनका नहीं. मेरा? हाँ, आपका. ठीक, आओ जरा केबिन. हद होती है यार, कमाल का लड़का था. कौन ये लड़का? एक मिनट, ये वही था ना जिसे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया था तुमने? सेम गाय. हद हो गई यार, इसने तो मेरी क्लास ही ले ली. तो आप भी सिंपली डांट देते, ये सब क्या? पापा भरेंगे नुकसान, ये सब क्यों बोल रहे थे? तो मुझे थोड़ी पता तुम्हारे लिए इतना पॉजेसिव हो जाएगा. तुम्हें पता था क्या? क्या? कि तुम्हारे लिए इतना पॉजेसिव हो जाएगा. अब मुझे कैसे पता होगा कि उसे बुरा लग गया? एक मिनट, अगर इस लड़के ने एक मिनट भी मुझे और डांटा होता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इतना डांट रहा है यार मुझे. वैसे आई एम सॉरी, गलती तो मेरी ही थी. मुझे नेकलेस ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था. ना ना, उसे छूटना नहीं कहते, उसे ध्यान भटकना कहते. क्या होता है लाइफ में जब कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं ना, तब होता है ऐसे. पापा, मुझे नहीं पता आप ये सब क्या कर. लेकिन मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. लाइफ में पहली बार हुआ कि इतनी डांट खाने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लगा. पता क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था. मेरी बेटी के लिए कोई स्टैंड लेगा तो पापा को तो अच्छा लगेगा. हाँ? एक बात बताऊं, यू आर अ नाइस बॉय. और ठीक कह रहा था कि मुझे पर्सनल तो नहीं बोलना चाहिएगा. पापा, और बहुत कुछ सही बोला है वो. ओवरटाइम तो मैं ही करती हूँ, ज्यादा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ही सिर पे है. और सैलरी भी मुझे सबसे कम मिलती है. अब मुझे ना रिवॉर्ड चाहिए. रिवॉर्ड चाहिए? बोलो क्या रिवॉर्ड चाहिए. पापा देंगे रिवॉर्ड बेटा. आज का डिनर आप बनाएंगे. स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डिजर्ट, सब अच्छा होना चाहिए, एकदम स्पेशल. अरे नहीं बेटा सुनो श्रेया, अरे बाहर से मंगा लेंगे.
श्रेया, ये वो लड़का दे गया ठीक कराने के लिए। अच्छा, उसने क्या झाड़ा है ना सर को, मजा आ गया। अब जा रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ सोच रही थी। बहुत सही जगह फोन किया है आपने, पूरे रतलाम में मुझसे अच्छी मैच मेकर नहीं मिलेगी आपको। आप जरा अपने अलावा लड़की के भी गुण बता देती तो। अब देखो ना कितनी खूबसूरत लड़की है, कोई कमी नहीं है इसमें। अरे मेरा बस चलता ना तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती मैं इसको। आप इसे हमारे लिए छोड़ दीजिए और जरा धीरे बात कीजिए। वैसे तो बहुत सही समय पर लड़की पसंद की है आपने, रूपचंद जी है ना इसके पिताजी, इसके लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है। लड़की कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, सब जानना जरूरी है ना। जलेबी है? जलेबी तो नहीं मंगाई बहन जी। लड़की बिल्कुल जलेबी जैसी है, जलेबी। पता नहीं क्या बात है, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा है उस लड़की के बारे में। अरे जब से इंदौर से आई है 6-7 रिश्ते लेकर जा चुकी हूँ, पर मजाल है कि उसको कोई पसंद आ जाए, पता नहीं क्या बात है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। जहाँ तक मुझे याद है बचपन में तो बड़ी अच्छी थी, फिर बाद में पढ़ाई करने बाहर चली गई थी। तो आप बचपन से जानती हो उसे? हाँ, हमारी दुकान इनकी दुकान के सामने ही तो है, सुख सागर नमकीन। क्या अब सुख सागर वाली है? हाँ। अरे वही सुख सागर वाले जिनका नाम चुरा कर रूपचंद ने अपनी दुकान का नाम न्यू सुख सागर रख दिया था। हाँ, ओरिजिनल और पुश्तैनी हम ही है। लो बताओ। अरे बिना बात टाइम बर्बाद कर दिया। हुआ क्या? अरे बहन जी पूरा रतलाम जानता है कि रूपचंद और आपकी क्या दुश्मनी है। अब आप बताइए, रूपचंद अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। सारा दिन बर्बाद। बहन जी मेरी बात सुनिए। बहन जी क्या सुनूं अब? अदिति तू अब ये पैंतरा निकाल अपनी दुकान बचाने का, अब वैभव की बलि चढ़ेगी। अरे सीधे बात करो, पापा सुन लेंगे। देखो प्रीति बहुत अच्छी लड़की है और वैभव की बचपन की दोस्त है। अच्छा तो आप ऐसे नहीं मानेंगी, अब मैं पापा को बताती हूँ। अदिति अदिति किधर 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 अदिति अदिति, सही वक्त आने पे मैं खुद तेरे पापा को बता दूंगी, लेकिन आज रहने दे। अरे मटर क्या है? चलो पापा के सामने तुम भी सुन लेना। अरे चलो अदिति सुन, कुछ वक्त और दे दे, मैं खुद तेरे पापा को बता दूंगी। अभी बताएगी तो कुछ होने नहीं देंगे। दामाजी इसे रोकिए। अरे रुको रुको, बताओ तो सही क्या बात है? तुम्हें पता भी है इनके दिमाग में चल क्या रहा है? बोल दिया, रुक जाओ। अरे तुम कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देगा तो पता चलेगा ना, और सासू माँ कह रही है रुक जाओ तो रुक जाओ। हद है यार, इस घर का अगर कोई भला सोचती है ना तो सिर्फ सासू माँ है। बात मान लो उनकी, सीज योर मदर, बेटी हो ना, उनको अभी सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करो उनका। सासू माँ आई एम विथ यू। इन्फॉर्मेशन तो लीक करो। वैभव की शादी कराने का सोच रही है। ये तो अच्छी बात है। पहले ये तो पूछो किसके साथ? लड़की के साथ ही होगी, अच्छी बात है। अरे शुभचंद की बेटी के साथ, ताकि दुकान बच जाए। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सासू माँ बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है मम्मी, अब आप ना ये भी करके देख लो। थैंक यू दामाद जी। माय प्लेजर। सविता बताओ तो सही क्या हुआ है, यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे रोज इतनी सलाह देती हो, आज एक बार मेरी बात सुन लो। क्या क्या हुआ है? तुम बोल रही थी ना सीधे 9 पे पहुँच के दिखाओ। तो दिखाओ। पत्थर देना। अरे नहीं मेरा ही। अरे देना, वापस दे दूंगी। अरे ये तो उल्टा है। तू अपना काम कर। मैंने पता किया, मेरे बेटे के दिल में और कोई लड़की नहीं है। अब मैं प्रीति से ही उसकी शादी कराऊंगी, वही लक्ष्मी बन के मेरे घर आएगी। एक छलांग में कुछ भी हो सकता है। और हनुमान जी भी एक छलांग में लंका पहुंच गए थे। ले पकड़। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रामबाण है जो मेरे परिवार को पार लगाएगा।
ठीक से देखना, ऐसे तो बड़ी अकलमंद बनती है। देख तो रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है उसकी प्रोफाइल से। ये एक ही फोटो है बस। ये देखो, उसने प्रोफाइल भी लॉक करके रखी है। अरे आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, थोड़ी रिसर्च करो, कोई भी लड़कियां मिल जाती है। अच्छा, काफी रिसर्च कर रहे हो तुम आजकल। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सासुमा, ये देखिए, यही है ना रूपचंद की बेटी प्रीति। लुक नाइस। नहीं, फॉर वैभव। अरे जोड़ी विल लुक नाइस है ना, मेरे वैभव के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। एकदम पार्टी एनिमल है ये तो। देख लो, अल्ट्रा मॉडर्न लग रही है, चलेगी आपको ये? तो मॉडर्न होना क्या बुरी बात है, जमाना बदल गया है ना दामाद जी? हाँ और क्या, किसने कहा कि मॉडर्न लड़कियां घर नहीं संभाल सकती। अब देखो दीपिका अनुष्का। ठीक है, संभलवा लो, हमें क्या, हम तो भाई खा पी के नाच के निकल जाएंगे, फिर नचाएगी वो आपको। माया भाभी के भाग भी आपको समझ में नहीं आया ना, जो एक और चंट लानी है आपको। अरे फोटो देख के कैसे पता चलेगा कि वो चंट है? तुम्हारे फोटो देख के आज तक मुझे पता चला? तुम कितनी होशियार हो। और क्या, फोटो का क्या है? देखो मम्मी, आप मन ही मन हाँ उसे अपनी बहू मान चुकी हो, तो फिर क्यों ड्रामा कर रही हो ये खोजबीन करने का? घर कर आके अलग करो ना, और वैसे भी झेलेगा वैभव, आपको अपनी दुकान मिल जाएगी। अरे क्यों झेलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डांस एकेडमी, सासुमा। हाँ। डांस एकेडमी, ये तो मेरे कोचिंग सेंटर के आसपास है। यार डांस सीखने जाती है? तो सीधे यही जाती हूँ पता लगाने कि ये लड़की है कैसी। हाँ। क्या देख रहे हैं सब लोग फोन में? ओ, डांस एकेडमी का एड देख रहे थे डैडी जी। डांस एकेडमी, कौन सीख रहा है डांस? सासुमा। सविता। अब हाँ, डांस करने से टेंशन कम होती है ना, और माइंड भी रिलैक्स होता है। और सासुमा की चिंताएं तो एंडलेस है, इनको जरूरत है। लाइए, एड्रेस देखती हूँ। क्या बात कर रही है, उसने तेरे डैड के साथ ऐसा किया? पापा के लिए तो बुरा लगा, पर मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, उसने मेरे लिए स्टैंड लिया। लेकिन पापा के साथ तो गलत किया ना। रुक, तेरा फोन दे। क्या कर रही है? तेरा फोन दे तो। क्या कर रही है गुंजन? रुक एक मिनट। हाय श्रेया। श्रेया नहीं, मैं बात कर रही हूँ गुंजन। हाय। ये हाय वाय छोड़ो और जल्दी से माहेश्वरी ज्वेलरी शॉप आ जाओ। और ये जो तुमने सारा कांड किया है ना, इसे संभालो। क्यों, क्या हुआ? आके खुद ही देख लो ना, सब कुछ फोन पर ही पूछोगे क्या? श्रेया को कुछ हुआ क्या? क्यों? हेलो, अरे कुछ बताओगी? तुम क्या कस्टमर केयर हो जो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें फोन पर ही सॉल्व करनी है? चुपचाप मुंह उठा के यहाँ पे आ जाओ। क्या कर रही है? तेरा हॉलिडे मजेदार बना रही हूँ, सुन। सविता, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है मुझे भी नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मत करने लगना, जिस काम से आए हैं उस पे ध्यान दो। प्रीति दिख रही है कहीं? तुमने आज तक प्रीति दिखाई है मुझे? देखो ये प्रीति है ना सुंदर?
वहां दिखी वही है। हाँ। है ना, मैंने कहा था ना फोटो में ही नहीं असली में भी बहुत खूबसूरत है। चलो चलते हैं। अरे मैं कहाँ चली, मुझे तो वो जानती है। तुम जाओ ना। मैं? हाँ, तुम्हें वो नहीं जानती। तुम वहां जाके उधेड़बुन कर लो, पता लगाओ लड़की है कैसी। तुम तो किसी से भी बात कर लेती हो। जाओ ना। अरे पर सविता, समझ लो कि ये लक्ष्मी माँ का ऑर्डर है। लक्ष्मी माँ का ऑर्डर? हाँ, उनकी नहीं सुनोगी? मात्रो, देख इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। श्रेया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? प्लीज तुम रहने दो, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ पर? अजीब हो, बुला के जाने के लिए बोल रही हो। श्रेया प्लीज रो मत, क्या हुआ? बेचारी की नौकरी चली गई है। तुम तो हीरो बन गए इसके बॉस के ऊपर भड़क के। तुम्हारा सारा गुस्सा उन्होंने इस बेचारी पर निकाल दिया, इसको फायर कर दिया जॉब से। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझे। तो तुम्हें कैसे जॉब से निकालते, उसके लिए तो जॉब चाहिए ना। अब कर लो सेम पिंच, दोनों जॉबलेस। मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे हल्की हल्की दाढ़ी वाले लड़कों को। तुम लोगों का ना बस एक ही एजेंडा रहता है, आज ये लड़की को कैसे इम्प्रेस करूँ। क्या मतलब? क्या क्या, तुम ये जो हीरोपंती कर रहे थे ये श्रेया को ही इम्प्रेस करने के लिए तो कर रहे थे ना। तो हो गई ना, तुम पे जानिसार और ये बेरोजगार। श्रेया, I am really sorry, श्रेया। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का, अचार डालूं? लाइफ तो बर्बाद हो गई मेरी, और अब मेरे खर्चे कौन उठाएगा? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। Don't worry, मैं कुछ करता हूँ। क्या ही कर लोगे तुम? श्रेया सुनो ना, I am very sorry, श्रेया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सब कुछ पहले सोच लेना चाहिए था, अब ये सब कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। बस करना गुंजन, नहीं रुक रुक, टेंशन में देखना। बस कर गुंजन, अब वैभव। श्रेया, I'm really sorry। वैभव, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस प्रैंक कर रहे थे तुम पर। प्रैंक? यार अभी तो मजा आ रहा था ना, थोड़ा चलने देती ना। गुंजन इनफ, और कितना गिल्टी फील करवाएंगे, इसकी हालत तो देख। I'm really 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 sorry, ये सब इसका प्लान था। मेरा? ये सब प्रैंक था, किसी को भी कॉल करो और उसको बुला लो। तुम्हें पता भी है मैं कहां से आ रहा हूँ? मेरा दोस्त जेकब हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और मैं यहाँ तुम्हारे प्रैंक के लिए आया हुआ हूँ, फॉर गॉड सेक यार। अरे वैभव रुको 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 रुको, मैं भी आती हूँ। कहाँ? हॉस्पिटल, जेकब को मिलने। नहीं आ सकती तुम। क्यों? क्योंकि जेकब, पे बैठ के टीवी देख रहा होगा। तुम दोनों को क्या लगा? सिर्फ तुम दोनों प्रैंक कर सकते हो? और क्या बोल रही थी आप? मैं इनके बॉस पे इन्हें इंप्रेस करने के लिए चिल्लाया था। देखो अब इंप्रेस हुई कि नहीं हुई ये तो नहीं पता, मगर हाथ तो पकड़ लिया इन्होंने।
शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।